हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज आप सभी देख सकते हैं कि आज हम स्प्राउट्स बनाना सीखेंगे। तो इसकी रेसिपी आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप सोयाबीन ऑयल भी ले सकते हैं और इसे अब हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा भी क्रैकल होने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही कटे हुए प्याज भी। हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि इसे हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि स्प्राउट्स में ज़्यादा प्याज भुने हुए अच्छे नहीं लगते, आपको जला जला टेस्ट आएगा। तो आप ऐसा करें कि इसे हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन होने दें और उसके बाद अब हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डाल लेंगे, 1/2 चम्मच धनिया, हल्का सा मिर्च, 1/4 से भी कम आप एक चुटकी ले सकते हैं, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के टाइम ही हम मसाले इसलिए डालते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं, पक जाएं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि जब हम मसाले डालें तो फ्लेम को लो कर लें, प्याज भुनते टाइम सिर्फ फ्लेम मीडियम पर रखें। अब देख सकते हैं आप सभी कि प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने टमाटर सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए प्याज के साथ। हमने यहाँ पे करीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, अगर आपके पास छोटे छोटे हो तो आप 3 भी ले सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। टमाटर के बाद नमक इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर सारे गल जाएँ और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम एकदम लो रख के इसे थोड़ी देर के लिए 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ दें। 10 से 20 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल बाहर आ चुका है, इट मींस कि हमारे टमाटर गल चुके हैं और ये भी फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम स्प्राउट्स डाल देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्प्राउट्स हमने एक नाइट ओवर सोक किया था और दूसरे दिन सारा पानी निकाल के इसका इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये जर्मिनेट हो पाए। तो असली स्प्राउट्स यही होते हैं। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड्स, करीबन 2 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप सभी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्वांटिटी में लो हो गया है क्योंकि ये अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम इसे मिला लेंगे और हमारे स्प्राउट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप एट लास्ट इसमें आप 1 नींबू निचोड़ सकते हैं। 1 नींबू को स्क्वीज आउट कर लें, उसका सारा रस इसमें डाल दें, लेकिन अगर किसी को नींबू ना पसंद हो तो उसके लिए अलग से ही बोल में निकाल लें। तो स्प्राउट्स हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म स्प्राउट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।